नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं महाखबर। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द हो चुकी है। इसे लेकर पार्टी के तमाम नेता लगातार विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस की SC/ST विंग ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता के रद्द किए जाने पर एक प्रोटेस्ट किया। ये धरना प्रदर्शन शुक्रवार 7 अप्रैल को तमिलनाडु के डिंडीगुल में किया गया। इसमें एक कांग्रेस नेता ने विवादित बयान दिया। इस प्रोटेस्ट के दौरान पार्टी जिला प्रमुख मणिकंदन ने अपने भाषण में कहा कि कांग्रेस के सत्ता में आने पर राहुल गांधी को 2 साल की जेल सुनाने वाले जज की जीभ काट लेंगे। मणिकंदन ने अपने भाषण में कहा कि 23 मार्च को सूरत कोर्ट ने हमारे लीडर राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। जस्टिस एच वर्मा, सुन लो, कांग्रेस जब सत्ता में आएगी तब हम आपकी जीभ काट लेंगे। मामले का संज्ञान लेते हुए स्थानीय पुलिस स्टेशन में मणिकंदन के खिलाफ 3 धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। साथ ही डिंडीगुल उत्तरी पुलिस ने विवादित बयान देने पर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि हाल ही में सूरत की एक कोर्ट ने आपराधिक मानहानि के मामले में राहुल गांधी को दोषी करार दिया था। यह मामला साल 2019 में राहुल गांधी के एक बयान का था। कर्नाटक के कोलार में राहुल गांधी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है? सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है? इस पर राहुल गांधी के खिलाफ सूरत में आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज किया गया था। आरोप लगाया गया था कि राहुल ने अपने बयान से पूरे मोदी समाज का अपमान किया है। इस मामले में सूरत की कोर्ट ने 23 मार्च को राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई। हालांकि कोर्ट ने सजा के अमल को 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया था। वहीं 2 साल की सजा सुनाए जाने के कारण 24 मार्च को राहुल गांधी की सांसदी रद्द कर दी गई। राहुल गांधी केरल के वायनाड सीट से सांसद थे। मामला धीरे धीरे तूल पकड़ता जा रहा है और धीरे धीरे सोशल मीडिया पर दोनों पक्षों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। देखना यह होगा कि यह मामला कहां तक पहुंचता है, क्योंकि इन दिनों विवादित बयानों के बाढ़ आई हुई है और कोई भी कुछ भी बके जा रहा है।